हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। माय नेम इज ऋषभ और आज हम बात करने वाले हैं Hyundai Creta फेसलिफ्ट के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, द Creta फेसलिफ्ट। आप सोच रहे होंगे गाड़ी को लॉन्च हुए भी टाइम ही कितना हुआ है, 1.5 साल 2 साल होने वाले हैं इन मार्च, अभी टाइम पड़ा उस चीज़ को। लेकिन नेक्स्ट मंथ गाड़ी अनवील होने वाली है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में होने वाली है, इंडोनेशिया में इस गाड़ी को अनवील किया जाएगा। वहीं पर गाड़ी को लॉन्च करेंगे पहले कंपनी, उसके बाद आएगी इंडिया में ये नई Creta फेसलिफ्ट। यूजुअली फेसलिफ्ट में छोटे मोटे चेंजेस किए जाते हैं, इसमें काफ़ी बड़े मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें। और वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमने एस्टर वर्सेस सेल्टोस, उसके ड्राइव रिव्यूज, उसके स्पेस कंपैरिजन वगैरह काफ़ी कुछ हमारे चैनल के ऊपर अपलोड किया, तो उसे चेकआउट जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बात करते हैं Creta के बारे में यहाँ पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि Creta की नई 15 फोटोज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा और एक वीडियो भी। काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है, फीचर्स, इंजन, स्पेसिफिकेशंस, डिज़ाइन सब कुछ डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं इसकी पहली फ़ोटो से। तो वहाँ पर आपको देख सकते हैं कि इसका जो डिज़ाइन आपको मिल जाता है फ्रंट ग्रिल का, वही है मेजर चेंज। कंप्लीट ट्यूसन की तरफ से जो इंस्पायर्ड इसकी जो ग्रिल है वो रखी गई है, जहाँ पर आपको बहुत ही प्यारे LED DRLs और इनविजिबल टाइप LED DRLs कंपनी इसको कहती है, और साथ में LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। अभी वाली Creta के जो लाइट्स हैं वो हर किसी को ज़्यादा पसंद नहीं आए थे, अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज़ थे कि उनको पसंद आ रही है नहीं आ रही है। तो आपने मुझे बताओ कि आपको ये वाली Creta यानी कि नई या फिर अभी जो ऑलरेडी मार्केट में है वो वाली Creta ज़्यादा अच्छी लगती है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दो। बात करते हैं इसी की और चीज़ों के बारे में। तो फॉग लैम्प्स हाउसिंग काफ़ी बल्की और अग्रेसिव लग रही है यहाँ पर, फॉग लैम्प्स भी आपको LED ही यहाँ पर मिलने वाले हैं। ऑफकोर्स बम्पर्स वाली तरफ देखेंगे तब भी एक बहुत ही रोबस्ट एंड यू नो फ्रंट का जो थोड़ा एजीनेस है वो कहीं ना कहीं टेस्ला के साइबर ट्रक की मुझे याद दिला रही है, मे बी इस कलर की वजह से, मे बी ज़्यादा एजेस की तरफ से, वो भी आपके लिए यहाँ पर फोटो लगा देता हूँ। बताना चाहूँगा कि ये गाड़ी कैमोफ्लॉज में भी देखी गई थी अभी रिसेंटली इंडोनेशिया में ही, जिसमें ब्लू कैमोफ्लॉज आप देख रहे हैं। एलॉय व्हील्स जो है वो अभी वाले रिटेन किए गए हैं, सेम जो आते हैं गाड़ी में, लेकिन फॉग लैम्प्स आप इसमें भी देख सकते हैं और LED लाइट्स भी आपको काफ़ी हद तक नज़र आ रही हैं। ये इसकी डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ऊपर जो है वो उसकी DRLs हैं। बहुत लोग यहाँ कन्फ्यूज हो रहे हैं कि लाइट्स कौन सी और फॉग लैम्प्स कौन से हैं, तो जो ऊपर जो अभी ये वाइट लाइट्स आप देख रहे हो ये DRLs है इसके, डे टाइम रनिंग लाइट्स। नीचे है इसकी हेडलाइट्स, जो नीचे जो सबको लग रहा है कि फॉग लैम्प्स है वो है इसकी हेडलाइट्स, उसके नीचे हैं उसके फॉग लैम्प्स। ध्यान से देखें, सबसे ऊपर जो ग्रिल के अंदर इंटीग्रेट किए गए हैं वो इसके LED DRLs हैं। इनविजिबल कंपनी इसको इसलिए बोलती है बिकॉज जब ये ऑफ होते हैं, मेरे पास आई डोंट थिंक सो कोई ऑफ की फ़ोटो है, जब ये ऑफ होते हैं तो पता नहीं लगता कि कहाँ से DRLs हैं, हिडन टाइप, सॉरी नॉट इनविजिबल, हमें फ़ोटो देखी तो पता लगा। तो थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कंपनी का इस बार, देखते हैं कि थोड़े ग्रिल के साथ क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो रही है, इसलिए आई थिंक हिडन टाइप LED DRL इन्होंने नाम रखा है इसका, और ये काफ़ी अच्छे लगते हैं फॉर श्योर। चलो शुरुआत करते हैं, जो शुरुआत नहीं कंटिन्यू करते हैं उसी फोटो के साथ जो ब्लू वाली मैं आपको दिखा रहा था। तो यहाँ पर अलॉय व्हील्स से आपको मेजर चीज़ देखने को मिलेगी, प्लस हेडलाइट यूनिट आप नीचे देख पाएंगे, ज़्यादा और इसमें कुछ चीज़ें नहीं पता लगी हैं। ORVM से ऑफकोर्स आपको इंडिकेटर्स यहाँ पर देख रहे हैं। पिछली साइड की फोटोज़ देखेंगे तो अभी वाली Creta जैसा ही डिज़ाइन है, लेकिन एक छोटा सा चेंज है, एक एक्स्ट्रा लाइन है यहाँ पर। आपको अगर मैं फ़ोटोज़ नेक्स्ट करके दिखाऊँ तब आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन पीछे देख पाएंगे, वो आपको मिल जाती है, जो कि अभी वाली Creta है या Alcazar में नहीं है। Alcazar डिफरेंट होगी वैसे, Creta में वो चीज़ लाइन मिसिंग है, तो वो आपको एडिशनल लाइन यहाँ पर मिल जाएगी। अलॉय व्हील सेम रहेंगे जो अभी Creta में आपको टॉप मॉडल्स में देखने को मिल जाते हैं। बात करना चाहूँगा इसी के फीचर्स के बारे में। डिज़ाइन तो ऑलमोस्ट इतना ही है, फीचर्स में इंपॉर्टेंट है जानना कि क्या क्या आपको नई चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले 360 डिग्री कैमरास Creta में भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ADAS फीचर्स भी मिल रहे हैं। मुझे कैसे पता, फोटो इंटीरियर की देखो, स्टेयरिंग में देख रहे हो, स्टेयरिंग पे राइट साइड पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक लेन कीप असिस्ट का फीचर दिया हुआ है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऑटोनोमस लेवल 2 टेक्नोलॉजी यानी कि जो MG Aster में आती है, होनी भी चाहिए, वो Creta में आपको मिलनी शुरू होगी नेक्स्ट ईयर से जब इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा। मिलनी भी चाहिए बिकॉज कॉम्पिटिशन में आ गई है, तो Hyundai पीछे कैसे रहे। मैं तो कहता हूँ कि Seltos में भी ADAS फीचर्स दे दो, थोड़े से एक टॉप मॉडल के ऑप्शनल दे दो, जैसे MG में भी ऐसे है कि एक आपको शार्प मॉडल मिलता है Aster का, उससे ऊपर अगर आप सेवी ले तो 80,000 एक्स्ट्रा देते तो आपको ऑटोनॉमस लेवल 2 वाले फीचर्स मिलते हैं। इसमें भी आई थिंक 50,000-60,000 का कोई गैप डाल के ऑटोनॉमस फीचर्स दे दीजिए, तो काफ़ी अच्छा एक USP पॉइंट मिल जाएगा कंपनी को कि हमारे पास भी ये चीज़ है। अभी MG इस चीज़ को काफ़ी हाईलाइट कर रहा है कि ADAS ADAS ADAS, अब इनमें भी आ जाएगा तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा।
हालांकि अंदर आपको बेसिक बेसिक फीचर्स जो थे, वेंटिलेटेड सीट्स, बोस के स्पीकर्स, वो सब वैसे के वैसे ही मिलेंगे, पैनोरामिक सनरूफ, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, ब्लूलिंक के फीचर्स सारे मिलेंगे आपको, वो सब है। ये जो कलर हम देख रहे हैं रेड प्लस ब्लैक है। अब देखते हैं इंडिया में कलर्स वगैरह कौन से आते हैं कैसे नहीं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हैं अभी वाला जैसा ही है, कोई चेंज नहीं किया गया इसमें, मुझे तो वही लग रहा है। इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, स्मार्ट वाला ऑप्शन भी आपको मिल गया। इंजन्स की यहाँ पर बात करें तो जो तो इंडोनेशिया मार्केट है वहाँ पर तो आपको 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड ही मिलेगा, 115 पीएस और 144 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क वाला इंजन। इंडिया में ऑफकोर्स आपको डीजल इंजन और मिलेगा साथ में 1.4 लीटर का जो आपको टर्बोचार्ज इंजन मिलता है, तो 1.3 वैसे वो 1353 सीसी इंजन है, वो आपको अच्छी खासी पावर जनरेट करके देता है, वो हर किसी को पसंद आता है फॉर श्योर। डिज़ाइन में जो है वो मेजर चेंज जो है वो LED इसी का है, DRLs का, और LED हैम्स के साथ साथ आपको ग्रिल का फ़र्क जो देखने को मिल जाता है। फीचर्स में ADAS सबसे इंपॉर्टेंट, और साथ के साथ 360 डिग्री कैमराज। उसके अलावा वी आर नॉट श्योर कि और कौन से फीचर्स इसमें ऐड किए जा सकते हैं, बट मुझे लगता नहीं और करने की ज़रूरत है, सब कुछ ऑलरेडी क्रेटा में आपको मिल जाता है। जो दो मेन छोटे फीचर्स हैं जो मिसिंग है, 360 डिग्री कैमराज और ADAS, वो आपको फेसलिफ्ट में मिलने शुरू हो जाएंगे। प्राइसिंग की अगर बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि 360 डिग्री कैमराज वाले जो व्हीकल आएगा उसमें प्राइस का कोई फर्क होगा। हाँ, ADAS में डेफिनेटली कंपनी बिलो 1 लाख एडिशन ज़रूर करेगी, ADAS स्मार्ट फीचर्स वगैरह देके जो भी नाम रखना चाहेगी कंपनी, ऑटोनोमस लेवल 2 में रखेंगे उसको, क्या बोलते हैं वो Hyundai कंपनी अभी थोड़ी देर तक हमें बता देगी। नेक्स्ट मंथ वैसे तो देखा जाए कुछ ही दिनों में, 10 से 15 दिनों में गाड़ी को अनवील कर दिया जाएगा Hyundai Creta को इंडोनेशिया में, तो मैं आपके लिए प्रॉपर उसके लिए वीडियोस बना दूंगा, तो सब्सक्राइब करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट। Creta के बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यही थी, फोटोज़ एंड वीडियोज़ मैंने आपके लिए प्रॉपर यहाँ पर लगा दी हैं, उसे चेकआउट आप अच्छे से कर लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ऑफ द ऑल न्यू Creta। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन, ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।